हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। आज मैं आप लोगों के लिए एक सुपर अफोर्डेबल मेकअप किट लेके आई हूँ, क्योंकि जनरली बिगिनर्स को क्या लगता है, मार्केट में इतनी सारी चीज़ें, उनको पता नहीं चलता क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। आप अपने ज़्यादा पैसे वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक सुपर डुपर अफोर्डेबल मेकअप किट। एंड इसमें सारी चीज़ें अंडर 200 रुपीज़ है। मैं सारी चीज़ों के प्राइस स्क्रीन पर भी मैंशन कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप मेरे फर्दर वीडियोस देख सको, एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चले। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप आता है प्राइमर। प्राइमर आपके स्किन और आपके मेकअप के बीच में एक लेयर होता है, जो कि आपके मेकअप को डीप अंदर आपके स्किन में घुसने से रोकता है। सजेस्ट करूंगी, मेरे पास है गुड वाइब्स का ये कुकुम्बर जेल, और दूसरा मेरे पास है गुड वाइब्स का ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हालांकि आपको सब लोग सजेस्ट करेंगे, एंड सॉरी इसका ढक्कन में से टूट गया है, तो ये दो जेल आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। प्राइमर के आते हैं बीबी या सीसी क्रीम पे, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी पॉइंट्स का बीबी क्रीम। सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेबिलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश, आई थिंक इसका यही नाम है। मेरा ब्लश एक्चुअली ये टूट गया है, तो इसलिए मैं इसको खोल के दिखा नहीं सकती, नहीं तो सारा पाउडर मेरे ऊपर गिर जाएगा। ये उतना पिगमेंटेड ब्लश नहीं है, तो इसीलिए बिगनर्स को बहुत ईजी होगा उनके साथ इसके साथ काम करने में, क्योंकि ये आपके चीक्स को बहुत ही ज़्यादा पिंक नहीं दिखाएगा, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी ब्लू हेवन का ब्लश लेने। इसमें और ही बहुत सारे शेड्स हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, बट ये एक बहुत यूनिवर्सली फ्लैटरिंग शेड है। तो उस कॉन्टोरिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप ऐसा एक आई शेडो पैलेट से ही कर सकते हैं, एक न्यूट्रल आई शेडो पैलेट होगा, उसी के साथ आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। नए नए में बिगनर्स में मैंने भी खुद कॉन्टोर कभी खरीदा नहीं था, मैं भी आई शेडो के साथ ही ट्राई करती थी, क्योंकि कॉन्टोरिंग थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो इसीलिए आप पहले आई शेडो के साथ ट्राई करें। जब आपको लगे कि आपको आ गया है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करें आगे। नेक्स्ट आते हैं आईब्रोज पे। आईब्रोज एज अ बिगिनर पाउडर या पोमेड के साथ आईब्रोज फिल करना बहुत ही दिक्कतमंद होता है, उसके लिए फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक आप पेंसिल ले सकते हैं इस तरह से। ये मेरे पास है मिस क्लेयर का वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल, और ये अप्रॉक्स 70 to 100 rupees में आया था। अभी स्विस ब्यूटी का भी ऐसा ही पेंसिल निकला है, जो कि 40 to 50 rupees का आता है, तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक छोटा सा ब्रश भी मिल रहा है। ये ब्रश से आप अपने ईजिली आईब्रोज़ को कोम आउट कर सकते हैं, एंड वो सारा कलर्स को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आईलाइनर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ब्लू हेवन का स्केच लाइनर। वो मेरे पास अभी है नहीं, वो मेरा ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया है। एक या आप लिक्विड लाइनर यूज़ करो, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्टेक वर्की का बैड एज लाइनर। ये भी नया है, इसके अंदर भी अब फेल टिप हो गई, तो आप फेल टिप यूज़ कर सकते हैं, आपको ईजी पड़ेगा अगर आपको लाइनर लगाने नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं आई शेडो पे। आई शेडो के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ब्लू हेवन का एक नया सिग्नेचर पैलेट आया है, मैं उसका फोटो यहीं का इंसर्ट कर दूँगी। वो एक्चुअली मेरे पास था, बट मेरे पास क्योंकि एक्सरसाइज आई शेडो पैलेट हो गया है, तो मैंने अपनी एक सिस्टर को वो दे दी। पार्टी लुक चाहिए, आपको चाहिए क्या, बहुत एक ग्लो या स्पार्कली टाइप का कुछ यूज़ करो, स्विस ब्यूटी का मेटालिक आई शेडो। इसमें 6 shades है। आपको अगर इसका रिव्यू या स्वॉचेस चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसका रिव्यू एंड स्वॉचेस कर दूँगी। काफ़ी अच्छा है, मैं एक का स्वॉच करके आपको दिखाती हूँ। यू कैन सी ये कितना शाइनी है। ये एक्चुअली एक हाई एंड ब्रांड स्टीला लिक्विड मेटालिक लिक्विड आई शेडो, उसका ड्यूप है। इसमें 6 shades है। आपको चाहिए होगा तो मैं आपको पूरा का पूरा रिव्यू एंड स्वॉचेस करके दिखा सकती हूँ। कमिंग टू मस्कारास, मैं मस्कारास में आपको ब्लू हेवन का ही मिंट्स मस्कारा सजेस्ट करूँगी। आई थिंक उन्होंने बैक नाम चेंज करके फ्लोरेना मस्कारा कर दिया, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा है। मैं जब बिगनर थी तो मैंने भी वही लिया था, एंड वो आई गेस 200 rupees गई है, या तो सेल पे आपको मिल जाएगा। फ्लोरिना मस्कारा शायद उसका नाम है, मैं कंफर्म करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। एंड वो मैं ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं नया नया ली थी, तो इसलिए मैंने उसे फेंक दिया है। और लिप बाम लगा लीजिए, उससे क्या होता है आपके लिप्स बहुत मॉइस्चराइज होते हैं और आपका लिपस्टिक बहुत टाइम तक टिकता है। सजेस्ट करूँगी सबसे पहला है मेबिलिन का बेबी लिप्स, या ही टिंटेड वाला है, इसमें विदाउट टिंटेड भी आता है, एंड आई गेस ये 175 or 200 rupees का ही है। नेक्स्ट आता है नायका सीरियल किसर लिप बाम, मेरे पास इन द फ्लेवर ग्रेप है।
इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, फ्लेवर वेरिएंट्स आते हैं। एंड तीसरा मैं सजेस्ट करूँगी निव्या का लिप बाम, मैं आपको पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। पहला है एलिगेंस ब्लू हेवन का एलिगेंस मैट लिक्विड लिपस्टिक। अगर आप मैट लिक्विड लिपस्टिक पर्सन है तो आपको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, बहुत कंफर्टेबल है लिप्स में। अगर आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करेंगे तो ये और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। काफ़ी न्यूड शेड है, इस शेड नंबर 11 है। ये थोड़ा मॉवी टाइप का न्यूड है। नेक्स्ट, अगर आप मैट लिपस्टिक पर्सन नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी NYBA का शेड नंबर 1 इन द शेड पेपी पियर्सन। ये थोड़ा ब्राउनी लिपस्टिक है और ये थोड़ा क्रीमी मैट है। ये पेपी पियर्सन है और ये ब्लू हेवन का एलिगेंस मैट लिक्विड लिपस्टिक है। नेक्स्ट, अगर आप न्यूड्स नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा कलर्स में जाएं, तो मैं वापस आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें और NYBA के अदर शेड्स चेक कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल यही दो है। ये ब्लू हेवन का मेकअप स्पंज है एंड ये बहुत अच्छा स्पंज है। अब जो क्योंकि सारा मेकअप हो चुका है तो आप चाहोगे कि मेकअप हटाए भी। ये गार्नियर का माइसेलर वाटर, ये काफ़ी अच्छा माइसेलर वाटर है एंड इससे आप नॉर्मली नॉन वाटर प्रूफ मेकअप हटा सकते हो विद वन गो। मैंने पॉन्ड्स का माइसेलर वाटर ट्राई किया है बट वो मैं बैंगलोर में ही छोड़ के आ चुकी हूँ तो इसीलिए। सो गाइज, दैट वॉज द वीडियो। मैं इन सभी चीज़ों जो मैंने मेंशन किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और उस बेल बटन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको सारे मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको पता चलते रहे। बाय।